वो केटीआर तेरे बाप से पूछ जाकर मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत हो रही थी और तेरे एमपी जाकर एनडीए की तायद किए या नहीं किए। जब आर्टिकल 370 कश्मीर में बर्खास्त किया जा रहा था, जब तेरे एमपी जाकर बीजेपी की तायद किए या नहीं किए। आज किस सूरत से केटीआर आकर आज मुसलमानों के वोट मांग रहा है। पूरे 9 साल केटीआर का ट्विटर देखो, पूरे 9 साल मैं तकरीबन 100 मरतबा ट्वीट किया हूं केटीआर को। पुराने शहर के मसलों पर केटीआर नहीं बोलते, कभी सुने केटीआर कोई बयान दिए नहीं बोलते। कभी कोई मुसलमान सीएमआरएफ के ऊपर अगर अपील करा तो कभी के अपील करे तो केटीआर नहीं बोलते। केटीआर राजा सिंह गुस्ताखी किया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो ये केटीआर के मुंह को लकवा मार दिया था। काबिले मुबारकबाद उसकी बहन कविता बयान दी। मैं फोन करके कविता को कहा कि मैडम ये राजा सिंह ने सरकार की शान में गुस्ताखी किया, कम से कम आपसे उम्मीद है आप बयान दो। तो मेरी बहन बयान दी, लेकिन ये जलील केटीआर एक मरतबा भी राजा हय्याल फलाह की आवाजें गूंजती थी। ये मनहूस केसीआर जब से आया, सबसे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये वाहिद शख्स था अमजदुल्ला खान, सबसे पहले वहां पर गया। कुत्तागुड़म फॉरेस्ट में जाओ, जितने केसीआर की ताईद कर रहे हो, जितने आज ताईद की बात कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कुत्तागुड़म के जंगल में जाओ, वहां पर मस्जिद आज तक शहीद पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है मस्जिद का। और जब से ये मनहूस की सरकार आई, रोजाना गाड़ियों को पकड़ते जा रहे हैं। अरे इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, ये कालू, ये भालू, ये लेडा, ना जाने क्या क्या नामा है उनके, जाके हमारे मियां भाइयों के गाड़ियों को रोक के जानवरों को सीज करके उनको मारा जा रहा था। क्या बतलाओ उन कुरैशी कम्युनिटी के लोगों से मैं अपील करता हूं, मेरे भाई कम से कम हक बोलो, कम से कम सच बोलो। आज बतलाओ जब तुम्हारे लोगों के गाड़ी लड़ रहे हैं कि उसी मुकाम पर बनना चाहिए, जबकि सेक्रेटेरिएट में दोनों मसाजिद को हटाकर एक मसाजिद बना दी गई है, वो भी सेक्रेटेरिएट के बाहर, तो आप क्यों खामोश है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े मक्कारी से जवाब दिया कि बाजू बैठे एक मुफ्ती है, जब वो एतराज नहीं कर रहे तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं। अरे वाह, आप बतलाओ किस कदर आपकी खयादत मक्कारी काम कर रही है। बड़ी मंदिर है, ये कहा गया कि जंगल में मस्जिद नहीं रख सकते, जानवरों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मंदिर से जानवरों को कोई तकलीफ नहीं। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें हटा दी गई और आज मुकाम बदल कर बनाया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी से एक रिपोर्टर ने असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछा कि जहां पर